है, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। हल्की फुल्की सी बिकवाली हमने देखी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैश स्पेस में आई है, लेकिन खरीदारी तो डीआईआईएस की तरफ से अच्छी दिखी है। 490 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से दर्ज होता हुआ दिखा है। अब जिस तरह के अच्छे ग्लोबल संकेत बनते हुए दिख रहे हैं, क्यूज भी काफी बेहतरीन है इन सबके बीच, आज हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कैसी ट्रेडिंग रणनीति आपको अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें, हम सबका मार्गदर्शन करें करते रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी, कामना रहेगी। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुशनसीब हूँ कि आप जैसे और हमारे सारे जितने सहयोगी हैं वो भरपूर प्यार देते हैं और मेरा साथ देते हैं, और बस आप सब लोगों का साथ इसी तरह आगे मिलता रहे तो मुस्कुराहट के साथ ये सफर आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सर आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे क्यूज आते हुए इंटरनेशनल मार्केट से चौतरफा अच्छे क्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या माना जाए सर हमारे मार्केट्स को फिर कैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, आज कैसे लेवल्स पर नजर रखनी है? चलो अच्छा है, आज कुछ कुछ अच्छा बोलने का मौका मिलेगा तो बढ़िया है, संकेत अच्छे हैं। अमेरिका में तेजी बढ़िया हुई है और दीपक भी बता रहे हैं कि जो डेट सीलिंग वाला बिल है उस पर आज फाइनल एक और जो मुहर लगनी बाकी वो भी आज हो जानी चाहिए, तो ओवरऑल संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर है। रहा सवाल भारतीय बाजारों का, तो हमारे बाजारों में कल हल्का फुल्का करेक्शन जरूर दिखा, थोड़ा एक्सपायरी का प्रेशर भी रहा और थोड़ा बाकी ऊपरी स्तर से हल्के से बाजार जो ओवरबॉट हो चुके थे वो भी हल्के हो चुके। आज के लिए अच्छी बात ये नहीं है कि बाजार नई वीकली सीरीज की जब शुरुआत करें तो काफी हल्के हैं, पोजिशन लाइट है, ये एक बढ़िया संकेत है। सबसे पहली चीज तो ये एक अच्छी है। दूसरी इसके अलावा बाजारों की जो बढ़िया चीज है वो ये है कि कहीं कहीं तेजी का जो रुझान बना हुआ है उस रुझान में एक हल्का फुल्का करेक्शन आपको जो चाहिए वो करेक्शन भी सही लेवल तक आता हुआ दिख रहा है, इन लेवल्स के आसपास से वापस रिकवरी के आसार भी बन रहे हैं। तो मेरा ये समझना आज के सेशन के लिए 18,340 18,425 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 18,575 से 18,625 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 43,400 43,525 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 44,000 44,150 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की वापस हो सकती है। तो मूड माहौल पॉजिटिव ही है और कल और परसों दो दिनों के हल्के फुल्के करेक्शन के बाद भारतीय बाजार फिर से एक अच्छी मजबूती के लिए और थोड़ी रिकवरी के लिए तैयार होते हुए आज आपको नजर आएंगे।